गुड इवनिंग स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन की। तो हेलो एल्केन जो है थ्री टाइप की केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। फर्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सेकंड है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड है आपकी रिएक्शन विद मेटल। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये टू रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नीचे कोई खास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है नहीं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन एंड रिएक्शन विद मेटल। अगर इस चैप्टर में से कोई केमिकल रिएक्शन पे क्वेश्चन आना है तो ये तीन से रिएक्शन पे क्वेश्चन आपको पूछेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे सबसे पहले हेलो एल्केन की रिएक्शन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलग से हेलो एरीन की रिएक्शन, सही है। तो थोड़ा सा मैंने चैप्टर को मॉडिफाई करा है ना अपने अकॉर्डिंग, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर कार्बन हाइड्रोजन के हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस करता है। अब क्वेश्चन था न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल आपने पढ़ा हुआ है क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल। फिर भी दिक्कत है, बहुत सिंपल तरीका है, एनी नेगेटिवली चार्ज आयन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो है जिसके पास नेगेटिवली चार्ज प्रेजेंट है। दूसरी चीज, कोई सा भी ऐसा न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सेंट्रल एटम पर, जैसे अमोनिया, जैसे वाटर, तो ऐसा कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है वो न्यूक्लियोफाइल है। पहचानोगे कैसे, कोई भी नेगेटिवली चार्ज आयन या कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अब सुनो डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जैसे मैंने लिया CX बॉन्ड, अब यहाँ कुछ भी लगा हो सकता है, वो अभी उसको नहीं लेंगे ना। तो आपका कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या देगा, माइनस डेल्टा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आकर इस हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस करता है तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CNU एंड X2- भाग। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो सुन लो डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू बुक, अ केमिकल रिएक्शन इन विच स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल डिस्प्लेस हेलोजन एटम फ्रॉम हेलो एल्केन, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सही है, अभी करके देखेंगे, बहुत डिटेल पढ़ने वाले इसमें ना। एक पढ़ाया था मैंने आपको एम्बिडेंट लिगेंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो जो आपने वर्ड बोला था ना एम्बिडेंट लिगेंड, यहाँ ऑर्गेनिक में एम्बिडेंट लिगेंड को हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। सेम टू सेम डेफिनेशन है, सब कुछ वो का वही है, एज इट इज एग्जाम्पल भी वही है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो टू डिफरेंट एटम के थ्रू बॉन्ड बना सकता है या अटैक कर सकता है, उसको हम बोलते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। जैसे हमने बोला CN, C के थ्रू बॉन्ड बनेगा तो आप क्या बोलोगे, साइनाइड। ध्यान से सुन लेना, साइनाइड। और N के थ्रू बॉन्ड बनेगा तो आप क्या बोलोगे, आइसो साइनाइड। ऑलरेडी पढ़ के आ रहे हैं हम, इसे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे ना। स्ट्रक्चर्स इलेक्ट्रॉन डॉट पूछेगा नहीं आपसे, CBSE में मैंने बना दिया है वैसे, है ना। ये कार्बन है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, अगर C बॉन्ड बनाएगा तो आप साइनाइड बोलोगे, और N बॉन्ड बनाएगा तो आप क्या बोलोगे, आइसो साइनाइड। साइनाइड का चार्ज क्या होता है, माइनस, ये आपको पता है ना, डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डॉट जैसी चीज क्या करोगे आप। एक क्वेश्चन देखिए बोर्ड के लेवल का, हॉट्स की कैटेगरी में क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, हेलो एल्केन व्हेन रिएक्ट विद KCN दे फॉर्म साइनाइड। जब हेलो एल्केन KCN से रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म साइनाइड, बट विद AgCN दे फॉर्म आइसोसाइनाइड। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको आइसोसाइनाइड बनाना है तो आपको रिएक्शन करनी है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की AgCN से, और आपको साइनाइड बनाना है तो रिएक्शन करनी है KCN से। अब ये क्यों करना है वो देखिए, आप देखिए KCN में कार्बन एंड पोटेशियम बॉन्ड इज मोर आयोनिक। क्यों, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत कम है और कार्बन की उसके कंपेरिजन में ज़्यादा है, तो दिस बॉन्ड इज मोर आयोनिक, एंड ड्यू टू मोर आयोनिक बॉन्ड कार्बन एक्वायर माइनस डेल्टा चार्ज ईजीली। इसीलिए इस कंडीशन में आपका कार्बन बॉन्ड फॉर्म क्रिएट करता है, सही है।
तो केसीएल में बॉन्ड कौन बनाएगा, कार्बन विल क्रिएट बॉन्ड विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इसलिए क्या बनाएगा, साइनाइड। जबकि इफ वी सी AgCl तो सिल्वर और कार्बन का जो इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस है वो कम है। क्यों कम है, बिकॉज सिल्वर इज अ पुअर मेटल, तो ड्यू टू द लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव डिफरेंस सिल्वर कार्बन बॉन्ड इज समवेयर कोवेलेंट, एंड ड्यू टू द सिल्वर कार्बन बॉन्ड कोवेलेंट बिहेवियर नाइट्रोजन हैविंग लॉन पेयर नॉर्मली फॉर्म अ बॉन्ड विद ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इस बॉन्ड के कोवेलेंट होने की वजह से पोलैरिटी नॉट डेवलप इन दिस बॉन्ड, एंड ड्यू टू विच नाइट्रोजन एटम विद द लॉन पेयर फॉर्म द बॉन्ड विद ऑर्गेनिक स्पीशीज। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बोर्ड में है, मुझे पता नहीं कितनी बार है, बहुत पूछा है क्वेश्चन, तो ध्यान रखना है इसको, है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का। देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कैटेगरी वन। टू टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं, फर्स्ट होती है SN1, सेकंड होती है SN2। एक और चीज़ फिर रिपीट करूँगा बार बार में, जब भी वीडियो लेक्चर देखें इमीडिएटली या तो विद लेक्चर या लेक्चर के बाद में नोट्स एक बार रीड कर लें, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी आपको नोट्स रीड करने की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थियरी वगैरह की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी अंडरस्टैंडिंग की वैल्यू है, फिर भी रीड कर लें ताकि कोई क्वेश्चन ना रहे। दूसरी चीज़, NCERT के क्वेश्चन साथ साथ करते हुए चले, ये नहीं मेरे ऊपर डिपेंड रहे कि मैं जब शेयर करूँगा क्लिक फोटो खींच कर तभी आप करेंगे, कुछ अपने आप भी करना सीखें, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ सेशन, तो थोड़ा सा अपने शोल्डर्स पर भी चीज़ें लें, है ना, मैं तो करूँगा ही बट आप भी थोड़ा देखें। अब जैसे देखिए आप SN1 को क्या बोलते हैं, यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनी क्यों बोला, वन की वजह से। अब रिएक्शन का जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन थोड़ी सी केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड है। अब जैसे देखो आपके पास एल्किल हैलाइड है, हेलो एल्किन, न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा, न्यूक्लियोफाइल ने एक्स को हटाया, RNU फॉर्म हुआ, RNU क्या है आपका, ये आपका प्रोडक्ट है, और क्या हुआ, हैलोजन डिस्प्लेस हो गया। अब इसको देखिए, ये क्या लिखा मैंने, रेट इक्वल के RX की पावर 1, आपने पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ हम लिखते थे रेट लॉ, तो ये क्या बोलता है, इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो एल्किल हैलाइड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पर डिपेंड करती है। मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन रेज टू द पावर 1 इज कॉल्ड यूनी मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन है, सुन लो ध्यान से, पूछेगा 101%, फिर सुन लो, अ केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन फर्स्ट पावर ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलो एल्केन इज कॉल्ड यूनी मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये डेफिनेशन नंबर 1, सही। दूसरी चीज, इस रिएक्शन को होने के लिए मीट पोलर सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं, कोई भी ऐसा सॉल्वेंट जो बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप कर दे, जो बॉन्ड को क्या करे, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा में ब्रेक कर दे, जैसे यहाँ है, यहाँ माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सारे बॉन्ड्स को कोवेलेंट एज्यूम करके चलती है, अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोई भी बॉन्ड आयनिक नहीं होता है, सारे बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अगर KCl का बॉन्ड एज्यूम करेगी ऑर्गेनिक तो इनिशियली कोवेलेंट एज्यूम करेगी, अल्टीमेटली आगे जाके K प्लस एन सी एल माइनस बनेगा, वो आयनिक हो जाएगा, बट इनिशियली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको कोवेलेंट बॉन्ड एज्यूम करके चलती है। तो अब देखिए, RX आपका बॉन्ड है और आपको क्या करना है, पोलैरिटी डेवलप करनी है, प्लस डेल्टा और माइनस डेल्टा, क्योंकि पोलैरिटी पहले तो बॉन्ड में थी नहीं, आपने लिया जैसे CH3Cl, सुन लो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट, आपने लिया CH3Cl तो इनिशियली इसमें पोलैरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत इसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की वजह से ये माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा आ जाएगा, लेकिन अगर हमें इस बॉन्ड में पोलैरिटी डेवलप करनी हो तो पोलैरिटी डेवलप करने के लिए वी एड पोलर सॉल्वेंट। अब पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, कोई भी एसिड, कोई भी बेस हो सकता है या आपका वाटर हो सकता है, तो पोलर सॉल्वेंट कौन होते हैं,
जो पोलैरिटी जनरेट करते हैं केमिकल्स में, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा आइंस बनाने के लिए, कौन कौन होते हैं? पोलर सॉल्वेंट, एसिड, बेस, वाटर और एनी काइंड ऑफ आयोनिक मटेरियल, NaCl भी हो सकता है लिक्विड स्टेट में, सही है? तो सबसे पॉइंट नंबर टू क्या है, इन दिस रिएक्शन पोलर मीडियम इज रिक्वायर्ड ताकि पोलैरिटी आ जाए। और इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है 3 डिग्री हेलो एल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री उससे कम, 1 डिग्री उससे कम, क्यों है? बिकॉज 3 डिग्री हेलो एल्केन जब आप ब्रेक करोगे तो ये बनेगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन, एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। क्यों होता है मोर स्टेबल? पढ़ के आ रहे हो 11th में, ड्यू टू मोर हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। इतना नहीं पूछेगा 12th में, सिंपल ध्यान रखना 3 डिग्री एल्केलाइट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किसमें? SN1 में। क्यों होते हैं? आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड 3 डिग्री एल्केलाइट फॉर्म 3 डिग्री कार्बोकैटायन विच इज मोर स्टेबल, इसीलिए 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, सही है? ये ध्यान रखना, भूलना मत ये, सही। अब कर रहा हूं मैं इसका मैकेनिज्म, क्या है इसका मैकेनिज्म, देखिए देखिए बेटा, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म क्या है आपसे पूछेगा 100, ये मैं आपका ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म नंबर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबसे मेन चीज SN1 में 3 डिग्री सबसे फास्ट रिएक्शन देंगे SN1, उससे कम कौन देगा? 2 डिग्री वाले हेलो एल्केन, उससे कम कौन देगा? 1 डिग्री वाले हेलो एल्केन, है ना? तो 3 डिग्री का आपको क्या है, कोई सा भी एग्जांपल ले लेना है, 3 डिग्री हेलो एल्केन बनाना सिखाया हुआ है मैंने, कुछ भी ले लेना। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कार्बन CH3 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 एंड Br, सही है? ये IUPAC क्या है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 2-methyl-2-bromopropane, उसका रिएक्शन करा मैंने QS, ये अभी मत देखना कुछ भी, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हमने रिएक्शन करा QS, OH क्या करेगा, Br को रिमूव करेगा, क्या बन जाएगा, 2-methyl-propane-2-ol एंड KBr, ये रिएक्शन। अब आपको इस रिएक्शन का लिखना है मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म, सही। बोर्ड में क्या करेगा, बोर्ड में आपको केमिकल रिएक्शन लिख के देगा और पूछेगा What is the mechanism of this reaction? 1 mark का question. Second, is in this reaction what chemical we use to make the bond polar? 2 marks. Mention the probable mechanism of the reaction. 1 mark. तो 3 mark में questions पूछेगा आपसे, सही है? देखिए कैसे mechanism है। Step number 1 में हमने लिखा है ये molecule. अब ये molecule मैंने कैसे लिखा है, डैश लाइन, डार्क लाइन। डैश लाइन और डार्क लाइन आपने पढ़ी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये आपके एल्केन का 3-डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये बॉन्ड क्या है अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये क्या है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और ये ऑन द प्लेन। कंफ्यूजन हो कोई सा भी डार्क बॉन्ड बना देना, कोई सा भी लाइट बॉन्ड बना देना, और कोई सा भी 2 बॉन्ड बनाने सिंपल लाइन वाले। अब जैसे हो सकता है ये डार्क बना दो आप, तो ये सिंपल लाइन वाला बना देना, तो कोई इसको देखने बैठा हुआ नहीं है, लेकिन बनाना ये है 3-डायमेंशनल है। तो जैसे आपने लिया हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन ले लिया आपने, शॉर्ट में लिखता हूँ मैं इसको RX, और आपने डाला पोलर मीडियम। एज वी एड अ पोलर मीडियम, यहाँ पोलरिटी डेवलप होती है और आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है, और ब्रेक होकर क्या बनाता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन एंड Br-, हेलोजन एटम निकला बाहर। जो कार्बोकैटायन है उसका शेप क्या है, ट्राइगोनल, 3 बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 एंड 3 डिग्री कार्बोकैटायन। ये जो है स्टेप मैकेनिज्म की स्लोएस्ट स्टेप है, और स्लोएस्ट स्टेप होने की वजह से ये जो स्टेप होती है रेट को डिसाइड करने वाली स्टेप होती है। इसलिए आप देखो मैंने जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखी थी, हमने रेट ऑफ रिएक्शन में क्या लिखा है, रेट इक्वल के Rx की पावर 1। मैंने न्यूक्लियोफाइल क्यों नहीं लिया, ये क्योंकि ये OH- इस स्टेप में इन्वॉल्व नहीं है। जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं तो हम क्या लेते हैं, उसके मैकेनिज्म की सबसे स्लो स्टेप को फाइंड आउट करते हैं, तो ये इसकी सबसे स्लो स्टेप है। अगर आपने मेरे लेक्चर ध्यान से देखो केमिकल काइनेटिक्स के, तो मैंने रिएक्शन के मैकेनिज्म आपको लिखना बताया था एक लेक्चर में, उसके ऊपर है ना। तो ये कार्बोकैटायन बना,
स्लोएस्ट स्टेप है, तो ये क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्टेप नंबर टू में अब इस कार्बोकैटायन पर अटैक करता है आपका न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH-। ये जो कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री होती है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ज्योमेट्री क्यों? 120 डिग्री 120 डिग्री 120 डिग्री। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्रंट अटैक कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल के फ्रंट अटैक और बैक अटैक करने की 50-50% प्रोबेबिलिटी होती है। ध्यान रखना मेरी बात, आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक कर सकता है, आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर सकता है। क्यों अटैक कर सकता है? बिकॉज जो कार्बोकैटायन है उसकी शेप कैसी है? सिमेट्रिकल, ट्राइगोनल, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसी है। और अटैक करने की अटैक करता है, सिर्फ फ्रंट अटैक करा आपने, तो वही मॉलिक्यूल यहाँ OH अटैच होता है और आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ये वाला सही है, इसको हम बोलते हैं रिटेंशन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का रिटेंशन होना, ध्यान रखना, ज्योमेट्री का रिटेंशन, सही बेटा। लेकिन अगर ये बैक अटैक करता है, जैसे इसने अटैक यहाँ से करा, तो उस कंडीशन में इसकी ज्योमेट्री ऐसी हो जाती है, CH3 उल्टा हो जाएगा ज्योमेट्री बिल्कुल, जैसे पहले था आपका। यहाँ है उसका अपोजिट बना यहाँ CH3, ये डार्क, ये बिल्कुल, ये जो आपने लिया है यहाँ उसका इन्वर्स करना है। ये CH3 और ये आपका OH, सही है। ये जो डायग्राम था बिल्कुल मैंने अपोजिट कर दिया है। ये कब होगा? जब आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करेगा। इसको बोलते हैं इनवर्जन। इनवर्जन मींस इसमें 50% प्रोडक्ट बनता है इन्वर्टेड और 50% प्रोडक्ट बनता है रिटेंशन वाला। क्यों बनता है 50% इन्वर्टेड? बिकॉज आपका न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक कर रहा है। क्यों बनता है 50% रिटेंशन वाला? क्योंकि आपका न्यूक्लियोफाइल फ्रंट अटैक कर रहा है। अगर 50% चांस फ्रंट अटैक के हों, 50% चांस बैक अटैक के हों, तो दो अलग अलग ज्योमेट्री वाले प्रोडक्ट आपको ऑप्टेन होते हैं। एक इन्वर्जन ज्योमेट्री, जिसमें ज्योमेट्री क्या होगी बिल्कुल, ये जो सारे इधर थे वो सब कहाँ चले गए, ये यहाँ, यहाँ से देखिए यहाँ थे वो सब उधर चले गए, और रिटेंशन में एज इट इज ऐसे ऐसे, सही है। तो ये है आपका मैकेनिज्म, गॉट इट? ध्यान रखना इसको। देखिए बेटा SN2 सेकेंड कैटेगरी इसकी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म। अब ये बाई मॉलिक्यूलर नाम देखो, बाई मॉलिक्यूलर मतलब क्या है? वही रिएक्शन है RX, बट RX कौन सा है यहाँ? 1 डिग्री है। क्यों 1 डिग्री है? क्योंकि इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है बिल्कुल अपोजिट है। सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 2 डिग्री, उससे ज़्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री। क्यों होता है वो सब बताऊँगा मैं ना। तो अभी सब बात करते हैं डेफिनेशन की। रेट इक्वल के RX की पावर 1 एंड OH की पावर 1। OH कौन है बेटा? ये OH है आपका न्यूक्लियोफाइल। तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हेलोएल्केन एंड मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल बोथ, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड SN2 रिएक्शन ऑफ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। सही है, मतलब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है आपके RX की कॉन्सेंट्रेशन पर और KOH की कॉन्सेंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है। सही है, ये डेफिनेशन है, अभी डिटेल करेंगे भी हम। इन दिस रिएक्शन देयर इज नो नीड ऑफ पोलर सॉल्वेंट। हमें इस रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट की नीड नहीं होती है। देयर इज नो नीड ऑफ पोलर सॉल्वेंट। क्यों नहीं चाहिए हमें पोलर सॉल्वेंट? बिकॉज इन दिस रिएक्शन वी डू नॉट रिक्वायर द फॉर्मेशन ऑफ कैटायन और कार्बो कैटायन। हमें इस रिएक्शन में कार्बो कैटायन नहीं बनाना होता, मतलब इस रिएक्शन में कार्बो कैटायन नहीं बनता है, इसलिए वी डोंट रिक्वायर पोलर सॉल्वेंट। नीचे आपका क्या लिखा हुआ है? रिएक्टिविटी ऑर्डर 1 डिग्री सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, 2 डिग्री सबसे कम, थोड़ा कम रिएक्टिव, और सबसे कम रिएक्टिव 3 डिग्री, क्योंकि हमें कार्बो कैटायन नहीं बनाना है। अगर कार्बो कैटायन बनाना होता तो हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री इज हाईली रिएक्टिव। सही, इसका देखते हैं मैकेनिज्म, देन आगे बढ़ते हैं।
देखिए बेटा, इसका जो मैकेनिज्म है SN2 का, ये आपका SN2 का मैकेनिज्म, सही है? ये मैकेनिज्म नंबर टू। आपको लेना है 1 डिग्री वाला एल्किल हैलाइड, कोई सा भी ले लो 1 डिग्री वाला, जो आपकी इच्छा हो लीजिए 1 डिग्री वाला लेना है आपको। इथेन क्लोरोइथेन लीजिए, क्लोरोप्रोपेन लीजिए, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 ब्रोमोहेक्सेन, वॉट एवर यू वॉन्ट, 1 डिग्री वाला लेना है। सबसे मेन ये ध्यान रखना है ना। दूसरी चीज, इस रिएक्शन में कार्बोकैटायन नहीं बनता है, सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इस रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट यूज नहीं होता है, ये सेकंड पॉइंट। अब रिएक्शन कैसे करना है, रिएक्शन होगा वही सिंपल ही है। अब जैसे इस रिएक्शन को देखोगे तो बोर्ड क्या बोलेगा आपको, ऐसे रिएक्शन लिख देगा 1 डिग्री वाली, और आपको बोलेगा इस रिएक्शन का प्रोबेबल मैकेनिज्म मेंशन करिए या एक्सप्लेन करिए, बताइए आप, है ना। तो अब आपको पहचानना है कि मुझे SN1 लगानी है, SN2 लगानी है। अब आप बोलोगे कि सर हम कैसे पहचाने, बताया अभी आपको मैंने, अगर आपका हेलो एल्केन 1 डिग्री है तो आप क्या लिखोगे, SN2 मैकेनिज्म। अगर आपका हेलो एल्केन 3 डिग्री है तो आप लिखोगे SN1 मैकेनिज्म, सही। अब जैसे 1 डिग्री लिया आपने, तो 1 डिग्री लिया जैसे मैंने यहाँ ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन लिया है ना, तो सेंटर में कौन सा कार्बन आएगा, सेंटर में वो कार्बन आपको लेना है जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच है। ये सेंटर में लिया मैंने कार्बन, 2 हाइड्रोजन, ये लगाया 1, ये 2, और ये पूरा ग्रुप मैंने लगा दिया CH3CH2। तो कई बार बच्चों को दिक्कत होती है, सर सेंटर में कौन सा कार्बन लें, सेंटर कार्बन हमेशा वो कार्बन होगा जिससे आपका हेलोजन ग्रुप आपका अटैच हो। तो ये मैंने मॉलिक्यूल बना दिया है ना, ये क्या मॉलिक्यूल, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये लाइन यहाँ हो सकती है, कहीं भी हो सकता है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा आपको, है ना। स्टेप नंबर 1 में आपका जो न्यूक्लियोफाइल है OH- आयन, न्यूक्लियोफाइल शो अटैक ऑन दिस एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड, इसको शॉर्ट में लिखता हूँ RX, सही बेटा। तो आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करता है किस पर, एल्किल हैलाइड पर। अब अटैक करने में इसके प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, ब्रोमीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट कैरी माइनस डेल्टा चार्ज, इट कैरी प्लस डेल्टा चार्ज। अब आप बोलोगे पोलर सॉल्वेंट तो यूज करा ही नहीं सर हमने, नहीं करा है, बट कुछ ना कुछ माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा आएगा, जो उसका खुद का प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा है ड्यू टू दी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन, क्लोरीन या आयोडीन। तो देखिए ये जो माइनस चार्ज है, इस प्लस को थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ, ये जो माइनस चार्ज है ब्रोमीन का, ये आने वाले न्यूक्लियोफाइल को रिपल्स करता है, सही है। माइनस डेल्टा चार्ज ऑफ द ब्रोमीन शो द रिपल्शन टू द कमिंग न्यूक्लियोफाइल, क्यों रिपल्शन करेगा, कि ये जो माइनस चार्ज है इसको फ्रंट अटैक करने से रोकेगा, मतलब यहां जो न्यूक्लियोफाइल है फ्रंट अटैक नहीं कर सकता, मतलब सीधा आकर अटैक नहीं कर सकता। क्यों अटैक नहीं करेगा सीधा आकर, क्योंकि जो ब्रोमीन का माइनस चार्ज है, हेलोजन का माइनस चार्ज है, वो इसके रिपल्स करेगा। इसीलिए इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शो बैक अटैक, ये ध्यान रखना, ये जान है इस मैकेनिज्म की। इन दिस रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल शो बैक अटैक, एंड एज द न्यूक्लियोफाइल शो बैक अटैक, दिस रिएक्शन ऑल्सो स्लो स्टार्ट। तो ये जो रिएक्शन है, ये दोनों क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब ये जो स्टेप आपने लिखा है उसमें OH- और इसका कॉन्सेंट्रेशन दोनों केमिकल रिएक्शन की रेट को डिसाइड करते हैं। OH का मतलब KOH है बेटा, है ना। आगे देखिए, एज द न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द हेलो एल्केन, देन यहां से OH का बॉन्ड कार्बन के साथ बनना स्टार्ट होता है, और यहां से ब्रोमीन का बॉन्ड कार्बन के साथ ब्रेक होना स्टार्ट होता है, सही है। तो एक स्पेशल स्टेज आती है बीच में, इन विच OH बॉन्ड विद कार्बन स्टार्ट्स मेकिंग इटसेल्फ, एंड ब्रोमीन बॉन्ड विद कार्बन शोड अ डिसोसिएशन, एंड ड्यू टू दिस रीजन फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम कार्बन एक्वायर पेंटावेलेंट स्टेट। कार्बन के 4 ही बॉन्ड होते हैं, बट इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए कार्बन 5 बॉन्ड शो करता है, बॉन्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5, इसको बोलते हैं पेंटावेलेंट स्टेट ऑफ कार्बन।
फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आती है. एंड अल्टीमेटली इन स्टेप नंबर टू, दिस पेंटावेलेंट स्टेट ऑफ कार्बन इज ब्रोकन डाउन फ्रॉम द ब्रोमीन एंड द प्रोडक्ट फॉर्म. ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है इसको कमिंग न्यूक्लियोफाइल, और ये जो क्रोमीन जाता है बाहर उसको बोलते हैं लीविंग न्यूक्लियोफाइल, LEAVING. सही है. दूसरी चीज, जैसे ये OH- अटैच होता है, ये इसके जो मॉलिक्यूल है इसकी पूरी ज्योमेट्री इन्वर्ट हो जाती है, उल्टी हो जाती है. इससे आपके पेरेंट मॉलिक्यूल से, पेरेंट मॉलिक्यूल में आप देखो H इधर है, CH3CH2 इधर है, H इधर है और ब्रोमीन उधर है. जबकि इसमें देखिए आप H उल्टा हो गया, ये बॉन्ड ये हो गया और हाइड्रोजन बॉन्ड खा चला गया इधर. तो ये क्यों हुआ? क्योंकि OH बैक अटैक करता है. ये जो OH के जो लॉन पेयर है ये, या जो O जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स को रिपल्शन करते हैं. एंड ड्यू टू दिस रिपल्शन जितने भी जो बॉन्ड हैं आपके इस साइड वाले, वो सारे के सारे इन्वर्ट हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं. आपकी एनसीईआरटी में लिखा है दिस फिनोमेना इज लाइक अ इन्वर्टेड अम्ब्रेला इन ब्लोइंग एयर. जैसे आपका अम्ब्रेला इन्वर्ट हो जाता है, आप लेकर गए विंडी डे में और रेनी टाइम में, और कई बार क्या होता है अम्ब्रेला बिल्कुल उल्टा हो जाता है खुल के. तो उल्टा हो जाना इस तरह की कंडीशन है. मतलब ये अम्ब्रेला है ऐसे, इसका हैंडल ही अम्ब्रेला ऐसे है, और ये क्या हो गया बिल्कुल इन्वर्ट हो गया. तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं इन्वर्जन. तो ध्यान रखना यहाँ न्यूक्लियोफाइल बैक अटैक करता है, और बैक अटैक करने की वजह से ज्योमेट्री जो है आपके प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट की ज्योमेट्री से बिल्कुल अपोजिट हो जाती है. ये तीनों ग्रुप इस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड, ये तीनों ग्रुप कहाँ पहुँच गए? राइट हैंड साइड. गॉट इट? ये था आपका SN2 मैकेनिज्म. क्लियर? कुछ करते हैं क्वेश्चन, देन वी गो अहेड. एक मैं आपको ट्रबल वाली सिचुएशन दिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. बुक टू बुक कैसे वेरिएशन आता है? हम कहते हैं ना कई बार, सर मेरे तो 100 आते ही नहीं है कभी, मेरे तो फुल मार्क्स आते ही नहीं है. क्यों नहीं आते फुल मार्क्स? पहली चीज़, आप मेंटल प्रेशर लेकर पढ़ते हो. दूसरी चीज़, आप सोचते हो NCERT तो बेकार होते हैं, क्या काम किया. आप तो उठाते ही सीधे क्या हो, प्रदीप, होली, फेथ, ABC और ये पता नहीं कौन कौन सी बुक जो अवेलेबल है. मैंने बोला 3 डिग्री जो हेलोजन हेलो एल्केन है वो शो करता है SN1 रिएक्शन, 1 डिग्री शो करता है SN2, तो 2 डिग्री क्या शो करेगा? 2 डिग्री तो इन दोनों के बीच में है. आपका जो 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, ये तो सेंटर में. ये SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा? मेरा आंसर है डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड करेगा. तो मैं 3 कंडीशंस आपके सामने ला रहा हूँ जो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आपके सामने फेस कराएगी आपको. देखिए जैसे इस क्वेश्चन में देखो, बोर्ड में सबसे ज्यादा ये पूछते हैं विच वन विल शो SN1 एंड SN2, कौन SN1 और SN2 शो करेगा. तो 1 डिग्री है ध्यान से देख लो, और ये 2 डिग्री है, और पढ़ा हुआ है आपने 1 डिग्री क्या शो करता है सबसे डोमिनेंटली? SN2. तो यहाँ आप क्या लिख दोगे? 1 डिग्री वाला SN2 शो करेगा. अब अगर एक SN2 शो कर रहा है तो उसने पूछा है कि कौन SN1 करेगा, कौन SN2 करेगा, तो इसको आपको लिखना क्या है? ये SN1 शो करेगा. 2 डिग्री है, पढ़ा क्या पढ़ा हुआ है अपने जस्ट अभी. लेकिन कभी आपसे पूछ ले, दोनों लेवल बताऊंगा मैं, बुक्स में यहाँ गलत थोड़ा बहुत आगे पीछे लिखा हुआ है, ये मैं बताऊँगा पहला आंसर आपको JEE के अकॉर्डिंग, और एक आंसर बताऊँगा क्लास 12th के अकॉर्डिंग. देखिए आपको बोला 2 डिग्री हेलो एल्केन, ये SN1 शो करेगा या SN2 शो करेगा? सही, ये क्वेश्चन जनरली NCERT या रिफ्रेशर्स में लिखा हुआ है आपके 2 डिग्री हेलो एल्केन SN1 रिएक्शन शो करेगा, बिकॉज 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल. लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन कम स्टेबल है किससे? 3 डिग्री से, बट ज़्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, तो है तो सेंटर में. तो उसके पास तो दोनों कंडीशन है, SN1 शो करने की और SN2 भी शो करने की. तो जो कॉम्पिटिटिव बुक्स हैं अच्छी वाली, जो अच्छे फॉरेन ऑथर्स की हैं, वो लिखती हैं कि आपकी जो 2 डिग्री वाला हेलो एल्केन है उसका रिएक्शन जो मैकेनिज्म है वो डिपेंड करता है आपके सॉल्वेंट पर. अगर आपने इसको डाला पोलर सॉल्वेंट में,
तो ये शो करेगा ऐसे कार्बोकेटाइन वाली कंडीशन पोलर में डाला। अगर आपने इसको पोलर सॉल्वेंट में नहीं डाला तो ये शो करेगा SN2। ये एग्जैक्ट आंसर। तो हालांकि आज तक का वो है केस, बोर्ड ने कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि 2 डिग्री हेलो एल्केन विल शो व्हाट काइंड ऑफ मैकेनिज्म। पूछ ले तो आप ये नहीं करना, डिपेंड्स ऑन कंडीशन। पोलर सॉल्वेंट है तो 1 डिग्री शो करेगा, पोलर सॉल्वेंट नहीं है तो आपका शो करेगा 2 डिग्री। सही है। तो लेक्चर ध्यान से देखिए, असाइनमेंट हम इसका अगले लेक्चर में देंगे आपको एक साथ करने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।